नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने एजुकेशन और सबसे तेज न्यूज वाले चैनल में दोस्तों चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों आपको बताया कि आंगनबाड़ी से जुड़ी जो कोई भी अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले आपको विद प्रूफ के साथ प्रोवाइड करवाई जाती हैं जी हाँ दोस्तों आज की छब्बीस जुलाई दो हजार बीस आज के जो आंगनबाड़ी आशा वर्करों से जुड़ी जो मुख्य समाचार है अलग अलग राज्यों की जरूरी खबरें हैं वो आपको शूडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं Yeah. कोरोना काल में आंगनबाड़ी बहनों को बड़ा तोहफा अठारह हजार रुपए वेतन प्लस पंद्रह सौ रुपए की मिली है दोस्तों प्रोत्साहन राशि जी हाँ दोस्तों मैं आपके इसकी पूरी अपडेट दूंगा पूरी ऑथेंटिक खबर दूंगा आपको पूरी सच्चाई के साथ तो वीडियो को जरूर देखते रहेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारा मोटिवेशनल भी जरूर बढ़ा दीजिएगा तो चलिए फ्रेंड जान लेते हैं आज की आंगनबाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के बारे में दोस्तों सबसे पहली अपडेट्स निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से है कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक को लेकर सरकार का बड़ा फैसला जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते लेकर बड़ा फैसला लिया है आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जाएंगी ने कहा है कि वर्तमान में सर्वव्यापी महामारी कोविड 19 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी कोरोना योद्धा होने भविष्य में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय आपदा घोषित होने पर अगर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी कोई मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार की महिला सदस्य निर्धारित अर्थाए पूर्ण की जाएंगी तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति करता अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे नियुक्त भी किया जाएगा और तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो अपडेट्स निकल कर आ रही है भोपाल से है अगर आपदा में आंग, आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी लगाई जाती है और इस ड्यूटी के उपरांत अगर उनकी मौत हो जाती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो घर में जो महिला कर्मचारी है उनको नौकरी दी जाएंगी और अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है उत्तराखंड के कोट द्वार से है दोस्तों वन मंत्री ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी है प्रोत्साहन राशि जी हाँ दोस्तों अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोरोना संकट काल में बेहतरीन कार्य करने के लिए दो सौ सत्तावन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक सौ अड़सठ आशा कार्यकर्ताओं को ग्यारह सौ ग्यारह सौ ग्यार रुपये की धनराशि एवं आयुर्वेदिक दवाइयाँ देकर सम्मानित किया है लैंडस्न व प्रभाव प्रभाव प्रभाग परिसर स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मैं मैं वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दो लाख बयासी हज़ार सात सौ रुपये और आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक लाख चौरासी हज़ार आठ सौ रुपये सहित आयुर्वेदिक कार्डा भेंट भी किया है और अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है उत्तराखंड के रामनगर से कि आशा कार्यकर्ताओं को अठारह हज़ार रुपये तन देने की मांग है जी हाँ दोस्तों अपडेट चौबीस जुलाई 2020 की है लेकिन आंगनबाड़ी बहनों आपको बताया कि हमारा चैनल आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ है इसीलिए आपको प्रत्येक खबर देना हमारा बहुत ही बड़ा कर्तव्य है तो यहाँ पर आप देख सो रामनगर में आशा स्वास्थ्य संगठन नैनीताल के जिला अध्यक्ष कमला बदानी के नेतृत्व तो में आशा कार्यकर्यों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम विजयनाथ शुक्ल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा और शुक्रवार को भेजे हुए ज्ञापन में आशा कार्यकत्रियों ने कहा है कि इस कोरोना काल में आशा कार्यकर्ता

डीएम को सौंपा और शुक्रवार को डीएम ऑफिस पर पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कर्मी को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी भी बढ़ाई जाए मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मैन आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बराबर समतुल्य मानधन न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए आंगनबाड़ी कर्मियों को भी सामाजिक सुरक्षा के तहत पी पेंशन ग्रेजुटी एवं चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए और अगली जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं आशा कार्यकर्ताओं ने मांगा है अठारह हजार वेतन जी हाँ दोस्तों अपडेट यहाँ पर आप दोस्तों चंदोली से हैं कि आशा कार्यकर्ता एवं संगनियों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र ए डी अतुल कुमार को सौंपा और कहा आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रही है टीकाकरण स्वच्छता जच्चा बच्चा देखभाल संस्थागत प्रसव के अलावा सरकार की चार दर्जन परियोजनाओं के में उनकी मदद भी ली जा रही है लेकिन उनका जो मानदेय निर्धारित नहीं हो सका है उनका वेतन अठारह हज़ार रुपये प्रति महीना किया जाना चाहिए और सरकार ने उन्हें पारिश्रमिक के तौर पर मात्र सत्रह सौ पचास रुपये दे रही हैं जबकि वे चौबीस घंटे ड्यूटी कर रही हैं और अगली अपडेट निकल का आ कर आ रही है ड्यूटी पर पहुंचकर लोकेशन सेंड करने के खिलाफ आंगनबाड़ी वर्करों का धरना जारी जी हाँ दोस्तों अपडेट यमुनानगर से निकाली गई है हरियाणा से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, कि हरियाणा सरकार में आंगनबाड़ी कर्मचारी के लिए नया फरमान जारी किया जिसके तहत तो प्रतिदिन विरोध करते हुए कहा है कि अधिकांश आंगनबाड़ी वर्कर के पास स्मार्टफोन नहीं है और कहीं आंगनबाड़ी वर्करों को तो स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता है सरकार को फरमान तुरंत वापस लेना चाहिए और जो नेक्स्ट जो अपडेट है यहाँ पर आप दिशो आशा कार्यकर्ता ने मांगा यात्रा भत्ता जिया दोस्तों अपडेट रैली से है कि ब्लॉक अरोली जिला ऊना के आशा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एसडीएम डी अरोली गौरव चौधरी के माध्यम से केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के ज्ञापन प्रेषित किया और ज्ञापन के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं में सुनीता देवी मधु कमलेश कुमारी चंचला देवी और अन्य विभिन्न मांगों सहित आशा कार्यकर्ताओं के लिए ठोस नीति बनाने सुरक्षा किट ड्यूटी का समय निश्चित करने चिकित्सालयों में विश्राम के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करने गंभीर बीमारी व अन्य कारण में अवकाश की व्यवस्था साल में दो बार वृद्धि पता देने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ई व ई लागू करने कोविड के समय समय ड्यूट करते हुए मृत्यु होने की स्थिति में पचास लाख रुपए का जो पैकेज देने की मांग की गई है तो दोस्तों ये थी आज की आंगनबाड़ी आशा वर्कों से जुड़ी जो मुख्य खबरों की अपडेट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें साथ ही चैनल पर फर्स्ट बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन भी जरूर जरूर प्रेस करेगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जय हिंद जय भारत थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो